सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। जी हां, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबर आपको मैं बताता हूं और अब बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। आखिरकार डूबते पाकिस्तान को भारत का ही सहारा मिलने वाला है। मुश्किल घड़ी में देखिए, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हम सारी उम्र एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आखिर में अपना करीबी ही पड़ोसी ही काम आता है, चाहे जैसे तैसे काम आए। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन बहुत बड़े लेवल पर एक्टिव हैं, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम परेशान है। पाकिस्तान में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भी आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उधर तालिबान से भी अब सीधा टकराव होना शुरू हो गया है। TTP खुद पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है। इमरान खान थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए उम्मीद थे, तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को भी पलट दिया गया है और अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे बस उस बंदे को गायब कर दिया जाए। अमेरिका के समर्थन वाली सरकार, अमेरिका के ही द्वारा शहबाज शरीफ की सरकार वहां पर बना दी गई है। मैं आपको हजार बार समझा चुका हूं। अब आपको बता दूं कि इन सब मुसीबतों के बाद वहां पर ऐसी बाढ़ आई है जिसने पूरे ही पाकिस्तान को डुबा कर रख दिया है। 30 से 40 जिले पाकिस्तान के पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लाखों लोग बेघर हैं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हाल इतना बुरा है कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक को भी पाकिस्तान को पैसे की मदद देनी पड़ रही है। WHO ने भी काफ़ी बड़ी रकम पाकिस्तान को दे दी है, लेकिन सबके बावजूद भी बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि बाढ़ की वजह से, गंदे पानी की वजह से मलेरिया की बीमारी अब वहाँ बच्चों में और बुज़ुर्गों में तेज़ी से फैल चुकी है। वहाँ पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि मलेरिया की बीमारी से देश काफ़ी ख़तरनाक मोड़ पर जा सकता है। ऐसे में हमको मलेरिया से बचने की दवा और हमें जनता को मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानियाँ चाहिए। अब मच्छरदानी की जब बात आई, तो मच्छरदानी आसानी से, क्योंकि अगर अमेरिका से लेगा तो भाई ख़रीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ख़रीदना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट किसके ऊपर आएगा खर्चा? जैसे आप अगर कुछ चीज़ मंगवाते हैं बहुत दूर से, तो हर जगह फ्री डिलीवरी नहीं होता भाई, चार्ज देना पड़ता है। तो जहां पाकिस्तान को रकम की ज़रूरत है, तो वो क्यों कहीं दूर से मंगा कर पैसा खर्च करेगा? सबसे अच्छा ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन भारत है। जी हाँ, भारत सरकार से पाकिस्तान की मिनिस्ट्री मच्छरदानी खरीदने की पहले ही गुहार अपनी ही सरकार से लगा चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब जाकर जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो पाकिस्तान सरकार ने, शहबाज शरीफ की सरकार ने सिग्नेचर कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि 60 से 70 लाख मच्छरदानियाँ भारत से पाकिस्तान अब खरीदेगा और भारत को इसको बेचने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि भारत का तो व्यापार ही बढ़ेगा। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है, वो भारत से अब हर तरह की डील करना चाह रही है, पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार है, इसमें भारत का कोई भी नुकसान नहीं है। उधर 10 साल हो चुके हैं मलाला यूसुफ जई को सर में गोली खाए हुए तालिबान की। अब आपको बता दूँ कि वो विदेश में रहती हैं, लेकिन 10 साल पूरे होने पर उस हादसे के वो पाकिस्तान वापस आई हैं और बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है, और ये काफ़ी अच्छी उनकी बात है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के दूर संचार मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ी टेंशन ले ली है, और जो पाकिस्तान की ये नई सरकार है, काफ़ी बड़ी टेंशन में है, और टेंशन की वजह भारतीय हैकर्स हैं। जी हाँ, आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने ये बताया है, ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो भारत के हैकर्स हैं, पाकिस्तानी दूतावास और पाकिस्तान के जो सरकारी ऑफिशियल डेटा है, उस पर अटैक इंडियन हैकर्स करके वो जानकारी निकालना चाह रहे हैं और उन सेक्शंस पर
उन जगहों पर अटैक कर रहे हैं, उन दफ्तरों पर अटैक कर रहे हैं जहां पर वो डाटा है, जिस डेटा में पाकिस्तान का वो प्लान है जो बाहर उनका चल रहा है। उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हासिल करना चाह रहे हैं भारतीय हैकर्स, जो प्रोजेक्ट विदेशों में, चाहे अर्जेंटीना हो, नेपाल हो, अजरबैजान हो, कहीं भी विदेश में जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको हैक करने की कोशिश भारतीय हैकर्स के द्वारा की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार अब पूरी तरह से इस पर अलर्ट है। अब अमेरिका और यूरोप के देश नॉर्थ कोरिया को डराने की कोशिश कर रहे थे, अब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने और बड़ी घातक जानकारी दी। किम जोंग ने कहा कि टोटल 11 मिसाइलें हमने टेस्ट करी हैं, जिसमें ज़्यादातर शॉर्ट रेंज मिसाइलें थीं, लेकिन उनमें से एक हमने पानी के अंदर से लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी थी, जिसको किसी भी तरह से डिटेक्ट करना, पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो परमाणु मिसाइल थी। वहीं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग अपने उस नई जगह पर पहुंचे जो अब नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है, स्क्रीन पर देखिए, उसके उद्घाटन पे किम जोंग पहुंचे थे। आपको बताऊं कि पिछले साल तक किम जोंग इसी जगह से मिसाइल टेस्ट कर रहे थे, दाग रहे थे, और ये पहले जो जगह थी ये एयरफील्ड था, एक तरह से एयरपोर्ट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर फाइटर जेट उतरते थे, टेक ऑफ करते थे, यहाँ पर मिसाइल टेस्ट करना शुरू किया। और इस साल यानी आज अब नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ग्रीन जोन बना दिया गया है, जिसको ग्रीन हाउस के नाम से जाना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के इस सारी हरकतों के बाद साउथ कोरिया ने कहा है कि कितनी भी बड़ी मिसाइलें दाग ले ये नॉर्थ कोरिया, हम नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को मार कर गिराने में सक्षम हैं। वहीं दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने एक कदम उठाया, मतलब समझ सकते हैं कि चीन इससे चिढ़ सकता है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त चाइना के एक और दुश्मन ऑस्ट्रेलिया में गए। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी, और इस दौरान जयशंकर ने ये कहा कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें चीन के खिलाफ अब एकजुट होकर काम कर रही हैं। वहीं अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी, साउथ कैलोरिना के एक घर के अंदर गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 5 लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। अमेरिका पर ये गोलियों का अजाब आया हुआ है और हर दिन गोलीबारी हो रही है। इसीलिए कहा है मैंने और बार बार कहता हूँ कि जो दूसरे के घरों में आग लगाते हैं उनके घर में कभी सुकून नहीं होता। दोस्तों, यूके की स्पाई चीफ ने बड़ी बात कही है। यूके के स्पाई चीफ ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीन जो है पूरी दुनिया पर नज़र रख रहा है और अपने खुद के चीन के लोगों पर नज़र रख रहा है, और जो चाइना के लोग विदेश जा रहे हैं उन पर भी नज़र रख रहा है, और सिर्फ उतना ही नहीं, अपने दुश्मनों पर भी टेक्नोलॉजी की मैनिपुलेशन करके, उसमें हेर फेर तोड़ फोड़ करके जैसे तैसे नज़र रख रहा है दूसरे देशों पर, और ये चीज़ चीन की पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं यूरोपीय यूनियन की हेड ने बड़ी बात कही है चीन के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हम गैस, तेल, ईंधन के लिए रूस पर डिपेंड थे, हमें किसी भी तरह से, किसी भी हाल में चीन पर किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों, चीन के खिलाफ एक और बड़ी खबर, अमेरिका और जापान, जापान के सागर में ही चीन के खिलाफ बड़ी ड्रिल 14 दिन के लिए करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अगले 3 सालों में भारत महाशक्तिशाली बनने के रास्ते पर जा सकता है। हालांकि भारत इस वक्त काफ़ी तेज़ी से अपने हथियारों की वजह से चर्चा में आया हुआ है। भारत इस वक्त ज़्यादातर अपने हथियार खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब ऐसी खबर आई है जिससे भारत के दुश्मनों के पसीने छूट सकते हैं। भारत ने ऐलान किया है और भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब ये खबर आई है कि अगले 3 सालों में भारत ऐसी मिसाइल का टेस्ट करेगा कि जिसकी आप सिर्फ रेंज समझ लीजिए और रेंज सुन के ही हिल जाएंगे, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होगी। ऐसी मिसाइल भारत के पास होगी जो यहाँ बैठे बैठे 10,000 किलोमीटर दूर किसी भी देश पर निशाना बनाकर भारत अटैक कर सकेगा, जिस वजह से भारत को काफ़ी बड़ी ताकत में शुमार कर लिया जाएगा। हालांकि इसके अलावा भारत कई देशों के साथ मिलकर हथियारों को खरीद और फरोख्त में भी लगा हुआ है,
और हथियारों को बना भी रहा है। अब इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से सारी दुनिया की जानकारियाँ और ख़बरें आपको आसान जबान में मिलती रहे। जय हिंद।